कहानी की शुरुआत 10 अक्टूबर सन 1970 से होती है, जब पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ अब्दुल हमीद खान चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान भारत से सन 1948 और 65 की जंग हारने के बाद बदला लेने की फिराक में था, जो इस बार बड़ी तैयारी कर रहा था। लेकिन भारत इस खतरे से बिल्कुल अनजान था। हालांकि भारत के दो काबिल आईबी एजेंट देव और मजूमदार ईस्ट पाकिस्तान में छिपकर रह रहे थे, जिनकी नजर पाकिस्तान के हर एक मूवमेंट पर थी। लेकिन एक दिन एजेंट मजूमदार को पाकिस्तान आर्मी उसके कैमरे के साथ पकड़ लेती है। जब ये खबर आईबी चीफ एनएस अवस्थी को पता चलती है, तो वे मजूमदार को छुड़ाने के लिए देव को भेजते हैं, जो मेजर कमरवेज बनकर पाकिस्तान आर्मी कैंप के अंदर जाता है और वहां तैनात गार्ड को पेपर देते हुए कहता है कि जो इंडियन जासूस तुमने पकड़ा है, मैं उसके ट्रांसफर ऑर्डर्स लेकर आया हूं, तुम उसे मेरे साथ भेज दो। लेकिन वह पाकिस्तानी सिपाही उसे ऑफिसर के आने तक वेट करने के लिए कहता है, जो अभी गश्त पर गया हुआ था। तभी देव कहता है कि ये ऑर्डर ऊपर के हैं, इसीलिए मुझे उस भारतीय एजेंट को यहाँ से अभी ले जाना होगा। जिसके बाद एजेंट मजूमदार को देव के साथ भेज दिया जाता है। अब जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी मजूमदार देखता है कि उसने जो पाकिस्तान में हो रही प्लानिंग की वीडियो बनाई थी, उसकी रील कैंप के अंदर ही रह गई है, जिसे लेने के लिए देव एक बार फिर से कैंप के अंदर जाता है। और जब वह रील ढूंढ रहा होता है, तभी मेजर उसे देख लेता है, जो देव पर गन पॉइंट करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे कैंप में क्या कर रहे हो। देव बताता है कि मैं पंजाब रेजिमेंट में मेजर हूँ और यहाँ हिंदुस्तानी जासूस को लेने आया था, लेकिन उसका कुछ सामान यहाँ छूट गया है। लेकिन पाकिस्तानी मेजर को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वह उसकी सारी आईडीज चेक करता है। लेकिन सब कुछ ठीक पाए जाने पर देव को वह रील देकर वहां से जाने देता है। अब देव और मजूमदार दोनों इंडिया आकर आईवी चीफ एनएस अवस्थी और बाकी ऑफिसर से मिलते हैं। देव उन्हें वह वीडियो दिखाता है जिसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था। तभी आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान खुद सिविल वॉर से जूझ रहा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में वह हमसे लड़ पाएगा, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान आर्मी का चीफ देव और मजूमदार के बच निकलने से काफी गुस्से में होता है। वह अपने ऑफिसर से कहता है कि अगले 10 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे इंडिया को हमारे प्लान के बारे में पता चल जाए। वहीं देव को बेस्ट पाकिस्तान से एक एजेंट का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान अगले 10 दिनों में चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला करने वाला है। लेकिन अचानक आई इस जंग के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि इंडियन आर्मी को जंग के लिए तैयार होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। लेकिन वहीं पाकिस्तानी फौज ने ईस्ट फ्रंट पर अपने डेरे जमाने शुरू कर दिए थे। दरअसल पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो वह 2 हिस्सों में बट गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए सभी पाकिस्तानी प्लेन्स इंडिया से होकर ही गुजरते थे, क्योंकि यहाँ तक आने का यही एकमात्र रास्ता था और यही पाकिस्तान का प्लान था कि वह अपने सारे मिलिट्री प्लेन्स ईस्ट में ले जाकर भारत पर दोनों तरफ से हमला करेगा, और अगर ऐसा होता है तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत से टूट जाएंगे। यानी कि मुसीबत दोहरी थी और पाकिस्तान को रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी देव अपना प्लान समझाते हुए डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि अगर हम अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दें, तो पाकिस्तान अपने मिलिट्री प्लेन्स ईस्ट पाकिस्तान लेकर नहीं जा पाएगा और हम इस जंग को रोक सकते हैं। तभी आईवी चीफ कहते हैं कि हम ताशकंद एग्रीमेंट के हिसाब से एयर स्पेस तभी ब्लॉक कर सकते हैं जब वॉर चल रही हो, और हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया तो हमारे ऊपर कई इंटरनेशनल बैन लग जाएंगे। अब कुछ समय बाद देव और उसका साथी संग्राम एक नए केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। संग्राम बताता है कि उसे कासिम नाम के एक लड़के पर नजर रखने के लिए कश्मीर भेजा जा रहा है, जो महज 70 साल की उम्र में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक प्लेन हाईजैक करने वाला था। हालांकि कश्मीर पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके दोनों साथी अभी भी छिपे हुए हैं, जिन्हें पकड़वाने में अब कासिम पुलिस की मदद कर रहा है। तभी देव को आइडिया आता है और वह एक बार फिर आईवी चीफ से मिलकर उन्हें अपना नया प्लान समझाने लगता है। हालांकि आईबी चीफ को देव का ये नया प्लान पसंद तो आता है, लेकिन उसे
एग्जीक्यूट कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन वे फिर भी इसकी परमिशन दे देते हैं, जिसके अगले दिन देव और संग्राम कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जहां अब कासिम पुलिस का खबरी बनकर अपने साथियों को पकड़वाने में उनकी मदद कर रहा था। दरअसल देव भी उन बाकी दो हाईजैकर्स की तलाश में यहां आया था, जिनके जरिए पाकिस्तान से होने वाली इस जंग को रोका जा सकता है। अब अगले दिन देव और संग्राम कार से कासिम का पीछा करते हैं, जो हर रोज आरजू मूवी देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाया करता था। देव और संग्राम भी कासिम पर नजर रखने के लिए थिएटर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई लीड नहीं मिलती। अब एक एक करके दिन हाथ से निकलते जा रहे थे और जंग होने में केवल 6 दिन ही बचे थे। तभी एक दिन कासिम अपने दोस्त के साथ फिर से आरजू मूवी देखने के लिए जाता है, जिसे वह समझा रहा था कि प्लेन अंदर से कैसा दिखता है और हमें उसे कैसे हाईजैक करना है। जब उसके पीछे बैठा देव ये देखता है तो वह समझ जाता है कि कासिम आरजू मूवी को देखकर प्लेन हाईजैक करने का प्लान बना रहा है। अब देव आईवी चीफ से बात करके उन्हें एक पुराना प्लेन तैयार करवाने के लिए कहता है। चीफ अगले ही दिन एक डीकमिशन्ड प्लेन गंगा को रेडी करवा देते हैं। वहीं देव कासिम का पीछा करते हुए एक हाउस बोट के अंदर जाता है, जहां कासिम और अशफाक प्लेन हाईजैक करने का प्लान कर रहे थे। दरअसल प्लेन हाईजैक करके ये लोग पाकिस्तान के रावलपिंडी ले जाने वाले थे। तभी कासिम अशफाक को एक पर्ची देकर मार्केट से उसे गन लाने के लिए कहता है। अब जब अगले दिन देव और संग्राम अशफाक का पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। दरअसल कोई और भी था जो कासिम और अशफाक पर नजर रखे हुए था। अब चूंकि ये एक सीक्रेट मिशन था, इसीलिए देव पुलिस की कोई मदद नहीं ले सकता था, और पुलिस उसे पकड़ लेती तो उनका सारा प्लान फेल हो जाता। इसीलिए देव अशफाक को वहां से निकालने के लिए पुलिस वालों से भिड़ जाता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। अशफाक पूछता है कि तुम कौन हो। देव कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आजाद कश्मीर का सिपाही हूँ। जिसके अगले दिन देव कासिम और अशफाक से मिलता है और उन्हें प्लेन की डिटेल्स देते हुए कहता है कि मुझे मकबूल भाई ने भेजा है और तुम्हें कल प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाना है। दरअसल मकबूल ही इन लोगों का मास्टरमाइंड है, जो इन्हें बहला फुसलाकर अपना मकसद पूरा करवाना चाहता था। इसीलिए ये लोग देव की बातों पर यकीन कर लेते हैं, और इनके हाथ में उसी गंगा प्लेन की डिटेल्स थी जिसे आईवी चीफ ने तैयार करवाकर कश्मीर भेजा था। दरअसल देव इन लोगों से ये प्लेन हाईजैक करवाकर उसे पाकिस्तान ले जाना चाहता था, क्योंकि अगर ये हाईजैक्ड प्लेन पाकिस्तान पहुंच गया तो पाकिस्तान के लिए ये एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा और हम इंटरनेशनल रूल एक्ट ऑफ वॉर का इस्तेमाल करके अपने एयर स्पेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान अपने मिलिट्री प्लेन्स को उड़ाकर ईस्ट पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगा और हमारे सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी बच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एजेंट सिकंदर भी कासिम के पीछे पड़ा था, जो किसी भी कीमत पर इस हाईजैकिंग को रोकना चाहता था, लेकिन संग्राम के साथ उसकी फाइट हो जाती है और वह पाकिस्तानी एजेंट बड़ी ही बेरहमी से संग्राम की हत्या कर देता है। तभी उसे संग्राम के वॉलेट से एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें उनके प्लान की सभी जानकारी होती है। वहीं देव अपने 30 आईवी एजेंट को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जो सभी लोग नॉर्मल पैसेंजर बनकर पाकिस्तान जाने वाले थे। अब कासिम भी आसिफ के साथ उस प्लेन में बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में प्लेन जम्मू के लिए टेक ऑफ कर जाता है। अब जब प्लेन जम्मू से 20 मिनट की दूरी पर था, तभी कासिम गन निकालकर सभी पैसेंजर पर तान देता है और पायलट के पास जाकर कहता है कि इस प्लेन को रावलपिंडी की तरफ मोड़ दो, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं सभी पैसेंजर्स को मार दूंगा। हालांकि कासिम उस वक्त खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके पसीने छूट रहे थे। तभी देव कहता है कि हमारा प्लेन केवल 7 मिनट तक ही हवा में उड़ सकता है और हम इतने फ्यूल में रावलपिंडी लैंड नहीं कर सकते, इतने फ्यूल में केवल हम लाहौर ही पहुंच सकते हैं। कासिम कहता है कि ठीक है, तो प्लेन को लाहौर ही ले चलो। अब जैसे ही ये लोग पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में एंटर करते हैं तो उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती और पूरे रनवे को ब्लॉक कर दिया जाता है। देव कहता है कि हमारा फ्यूल खत्म हो चुका है और अगर हमने लैंड नहीं किया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, और इतना कहकर वह प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करा देता है। जिसके बाद कासिम लाहौर के एयरपोर्ट कर्मचारी से ही डिमांड करने लगता है कि अगर भारत सरकार ने कश्मीर के उन 36 एक्टिविस्टों को रिहा नहीं किया तो वह प्लेन में बैठे सभी 30 लोगों को मार देगा। तभी देव उसे समझाता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और अगर तुम्हें अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचानी है तो तुम्हें पाकिस्तान के किसी बड़े मंत्री से बात करनी चाहिए, जो तुम्हारी बात सीधे भारत सरकार तक पहुंचा सके। कासिम ऐसा ही करता है और तभी पाकिस्तान सरकार का मंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो कासिम से डील
करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अब चूंकि सब कुछ प्री प्लान्ड था, इसीलिए भारत सरकार उनकी सभी शर्तें तुरंत मान जाती है। लेकिन पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को इस बात पर डाउट हो जाता है कि आखिर भारत सरकार ने इतनी आसानी से कासिम की सभी शर्तें कैसे मान ली, और वह समझ जाता है कि हिंदुस्तान ये सब एयर स्पेस को ब्लॉक करने के लिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान अपने प्लेन्स ईस्ट पाकिस्तान ना ले जा सके। इसीलिए कमांडर अपने ऑफिसर को एयरपोर्ट भेजकर उन सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतरवा लेता है और सभी को बस में बैठने के लिए कहता है। तभी अशफाक देव को देख लेता है और कासिम को बताता है कि ये वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई थी। देव कासिम से कहता है कि अभी हमारी जीत अधूरी है, अगर भारत सरकार ने हमारे उन 36 भाइयों को रिहा नहीं किया तो हम इस प्लेन को जला देंगे। अब प्लेन पाकिस्तान में लैंड तो हो गया था, लेकिन भारत सरकार तब तक एयर स्पेस ब्लॉक नहीं कर सकती जब तक ये 30 हिंदुस्तानी वापस अपने देश नहीं लौटाते। लेकिन पाकिस्तान को शक था कि ये हिंदुस्तान की कोई चाल है, इसीलिए उन सभी 30 पैसेंजर्स को लाहौर के इंपीरियल होटल में ठहराया जाता है, जहां उनके खाने और रहने का बंदोबस्त किया गया था। थोड़ी ही देर बाद अफजल उन सभी लोगों को अपने परिवार वालों से बात करने के लिए हॉल में बुलाता है ताकि जब ये लोग बात करें तो वह सच का पता लगा सके। इसीलिए वह उनकी सारी बातें सुन रहा था। लेकिन इंडियन एजेंसी को पहले से ही अनुमान था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा जरूर करेगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही एक वॉइस आर्टिस्ट का इंतजाम करके रखा था जो आवाज बदलकर उन सभी से बात करता है। वहीं दूसरी तरफ होटल के बाहर इंडियन एजेंसी अपने दो लोगों को भेज देती है जिनसे देव लाइट ऑन ऑफ करके कोड वर्ड में बात करता है। वहीं लिस्ट चेक करने पर अफजल देखता है कि सभी कॉल्स अलग अलग शहर से की गई हैं और उसे हिंदुस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसे शक है कि इन पैसेंजर्स में जरूर कोई जासूस है। तभी उस होटल की लाइट चली जाती है जिसके बाद वह पाकिस्तानी एजेंट जिसको संग्राम के वॉलेट से इस हाईजैकिंग का सबूत मिल गया था वह उसे लेकर लाहौर आ जाता है और अफजल को बता देता है कि वह शख्स जो पायलट की वर्दी में है इंडिया का जासूस है। यानी कि अब अफजल को भारत के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुका था, इसीलिए वह सभी लोगों को रूम से बाहर आने के लिए कहता है। तभी वह पाकिस्तानी एजेंट देव को पहचान लेता है और कहता है कि पाकिस्तान आकर तुमने गलती कर दी, मैंने तुम्हारे साथी एजेंट को मार कर तो झेलम नदी में फेंक दिया है, लेकिन तुम्हें हम यहीं दफनाएंगे। अब जब ये लोग देव को यहां से ले जा रहे होते हैं तभी बाकी सब एजेंट पाकिस्तानियों पर हमला कर देते हैं और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। देव उस पाकिस्तानी एजेंट को बाथटब में डुबा कर मार देता है और ये लोग उन सभी पाकिस्तानियों को बंदी बनाकर रूम के अंदर बंद कर देते हैं और ये काम सभी एजेंट इतनी सफाई से करते हैं कि बाहर किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती। हालांकि जो भारतीय महिला एजेंट थी वह इस लड़ाई में जख्मी हो जाती है। अब देव सभी को समझाता है कि जैसे ही पुलिस की शिफ्ट सुबह को चेंज होगी हम यहां से निकल जाएंगे, जिसके बाद उनमें से दो एजेंट बेहोश पड़े पाकिस्तान पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं और एक अफजल को नंगा करके खुद चीफ बन जाता है। अब ये लोग बाहर जाकर गार्ड से कहते हैं कि चीफ कुछ जरूरी काम से गांडा सिंह बॉर्डर जा रहे हैं। अब चूंकि अंधेरा होने के कारण गार्ड भी उनको ठीक से नहीं पहचान पाता और ये लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद दो एजेंट वापस लौटकर देव को बताते हैं कि काम हो गया है। अब जो एक इंडियन जासूस बाहर गया था वह बाकी दो एजेंट के साथ मिलकर देव का मैसेज आईबी चीफ तक पहुंचा देता है जिसमें लिखा था ऑर्डर टू हुसैन शिफ्ट चेंज 7 AM। ये मैसेज मिलते ही चीफ गांडा सिंह बॉर्डर के लिए अपने ऑर्डर्स भेज देते हैं। वहीं जब अगली सुबह शिफ्ट चेंज होती है तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स होटल में आते हैं जो देव से पूछते हैं कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो। देव कहता है कि हमसे बोला गया था कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स आकर तुम्हें बॉर्डर तक लेकर जाएंगे, इसीलिए हम सब आपके आने का वेट कर रहे थे। वह ऑफिसर कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, तुम सब लोग अपने अपने रूम में जाओ। तभी रिसेप्शन पर रखे फोन की घंटी बजती है और वह शख्स जो लाइन पर था वह आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मैं प्रेसिडेंट का पीए बोल रहा हूं और प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर है कि सभी हिंदुस्तानियों को गांडा सिंह बॉर्डर के लिए ले जाया जाए। इतना कहकर वह फोन काट देता है। दरअसल ये कॉल होटल के बाहर से एक हिंदुस्तानी एजेंट ने की थी। तभी उस आर्मी ऑफिसर की नजर वहां रखे न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें मोटी मोटी हेडलाइंस में लिखा था कि पाकिस्तान सरकार सभी हिंदुस्तानियों को सुरक्षित वापस भेज रही है। दरअसल ये
न्यूज़पेपर भी नकली था, जिसे प्लान के मुताबिक यहाँ रखवाया गया था। अब उस आर्मी ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है और वह सभी इंडियन पैसेंजर्स को बस में बैठने के लिए कहता है। अब जब सभी लोग बस में बैठ रहे होते हैं, तभी उस जख्मी महिला के ब्लड की एक बूंद नीचे गिर जाती है, जिसे सूंघते ही वहाँ खड़े डॉग्स भौंकने लगते हैं। लेकिन उसके पीछे चल रहा एजेंट उस ड्रॉप को पैर से छिपाकर आगे बढ़ जाता है। तभी काउंट करने पर पता चलता है कि एक पैसेंजर कम है। ये सुनकर सभी की जान हलक में आ जाती है, और इससे पहले कि ये लोग रूम चेक करने जाते, तब तक वह आखिरी एजेंट भी वापस आ जाता है, जिसके बाद सभी लोगों को गांडा सिंह बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अफजल को भी होश आ जाता है और वह कार लेकर उनका पीछा करता है। लेकिन इससे पहले कि वह आर्मी को सच बता पाता, सभी लोग गांडा सिंह बॉर्डर पहुंच जाते हैं और सही सलामत बॉर्डर पार करके अपने वतन वापस लौट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासिम, जो अभी भी अपने कश्मीरी भाइयों के रिहा होने का इंतजार कर रहा था, जब उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह उस प्लेन को आग लगा देता है, जैसा कि देव ने उसे समझाया था। जिसके बाद भारत सरकार बयान जारी करती है कि पाकिस्तान ने सबूत मिटाने के लिए हमारे गंगा प्लेन को जला दिया है, जिसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसीलिए सुरक्षा कारणों से हमने सभी पाकिस्तानी जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया है, और इस तरह एक बार फिर से पाकिस्तान को अपने नापाक इरादों में नाकामयाबी हाथ लगती है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि एयर स्पेस ब्लॉक होने से पाकिस्तान आर्मी का वेस्ट से ईस्ट का मूवमेंट कमजोर पड़ गया, और पाकिस्तान ने 30 दिसंबर सन 1971 को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन भारत ने सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान को हरा दिया और पूरी ईस्ट पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया देश का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये थी IB-71 की सच्ची कहानी, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।